नॉर्थ में अर्थ एलिमेंट पृथ्वी तत्व उसने आके ब्लॉक कर दिया, या वो अपॉर्चुनिटीज आने ही नहीं देगा पृथ्वी, क्योंकि पृथ्वी ही है जो जल को बांधे हुए है। नदी एक शेप से गुजर रही है ना, तो पृथ्वी ने ही जल को बांधा हुआ है। वास्तव में अब क्या हो रहा है इसको समझिए कि जब पृथ्वी जल की दिशा में जाती है तो जल को दूषित करती है, जब अग्नि जल की दिशा में जा रही है तो अग्नि खुद दूषित हो रही है। इस सूत्रों को पकड़िए कि जब अग्नि जल की दिशा में गई तो अग्नि दूषित हो गई, क्योंकि अग्नि वहां बुझना शुरू हो गई। जब पृथ्वी जल की दिशा में जाएगी तो जल को बांधेगी, तो जल तत्व को खराब करेगी। वहां अग्नि जाके खुद खराब हो रही है, खुद खराब हो रही है ना। तो जैसे ही वहां किचन आ जाएगी अग्नि खराब हो जाएगी। अब अग्नि खराब हो जाएगी उसे हम कैसे ठीक करेंगे? साइकिल ऑफ बैलेंस यूज करके, साइकिल ऑफ बैलेंस यूज करके। वहां हरे रंग का पत्थर लगा देते हैं तो साइकिल ऑफ बैलेंस क्रिएट हो जाता है। पर वो साइकिल ऑफ बैलेंस आपने क्रिएट किया, यानी कि आपने जो जल के ऊपर अग्नि जल रही है उसे बेस देने की कोशिश की कि ये जलती रहे, बुझे ना। और एक्चुअल में क्या हो रहा है, जहां आपकी एक्चुअल अग्नि है वो अग्नि वीक हो गई है। उस अग्नि को उस वक्त सशक्त करना बहुत जरूरी है। यहां बैलेंस कर दिया केवल तो रिजल्ट नहीं मिलेंगे, उस अग्नि को जो वहां जाके दूषित हो रही है उसको भी सशक्त करना होगा। लॉजिक समझ आ रहा है? तो अग्नि तत्व एक्चुअल में जहां पे है वो वीक हो जाता है। इस परिस्थिति में जब भी नॉर्थ में किचन आ जाए इसे हरे रंग का पत्थर लगा के आप बैलेंस कर सकते हैं, पर साथ ही साथ में जो अग्नि तत्व की दिशाएं हैं यानी कि साउथ ईस्ट, साउथ साउथ ईस्ट और साउथ, वहां पर आपको लाल रंग को भी इंट्रोड्यूस करना है। ये पहला नियम है, क्योंकि अग्नि यदि कमजोर पड़ जाए उस घर में पैसे की बरकत नहीं रहती, उस घर में रोग रुकावट बाधाएं आनी शुरू हो जाती है। आपके शरीर में 70% तक पानी है और फिर भी आपका शरीर गर्म है, ऐसा क्यों? अग्नि है, वो भी अग्नि है, वो भी स्पार्क है।